आज जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। ये एक घातक बीमारी है और इस दिन को मनाने का मतलब ये होता है कि हम इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी घातक बीमारी है कि अगर ये बढ़ जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्या होता है ब्रेन ट्यूमर? बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहित कपूर जी हैं, जो कि मैक्स अस्पताल से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच करुण जी, आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित करा। जो ब्रेन ट्यूमर एक वेरी इट्स अ वेरी बिग समस्या, जैसे आई शुड रादर से, तो इसमें ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो बच्चों में पाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर जो हमारी ब्रेन की सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है ब्रेन की, वो एबनॉर्मल मल्टीप्लाई करती हैं, उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। कभी कभी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से सेल्स जो होती है माइग्रेट करके ब्रेन में, कैंसर सेल्स दूसरे कैंसर ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, मतलब मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर। तो मेनली जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, हमें जो सिम्टम्स दिखेंगे बच्चों में या फिर पेशेंट में सिम्टम्स दिखेंगे ब्रेन ट्यूमर, वो लोकेशन पर डिपेंड करेगा, कहाँ पर है, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है या कोने में है या फिर आंखों के पास है ब्रेन ट्यूमर। सो उसके बेसिस पे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के जाने पड़ते हैं एक्चुअली। बट मोस्ट कॉमन सिम्टम ब्रेन ट्यूमर के अंदर बेसिकली हेडेक होता है, सुबह बहुत जोर की वॉमिटिंग होती है बच्चे को, और बच्चे को सीजर्स या फिर दौरे आने की शिकायत बताते हैं मम्मी पापा। बच्चे को चलने में परेशानी हो जाती है, निगलने में, खाना पीना निगलने में परेशानी हो जाती है, मुंह कभी कभी तिरछा हो जाता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स जनरली ब्रेन ट्यूमर के हमें मिलते हैं, ओपीडी में इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं। हाँ, क्योंकि आपने जिक्र बच्चों का किया, पहले कहा जाता था कि ब्रेन ट्यूमर वृद्ध लोगों को होता है या एक उम्र के बाद होता है, पर आजकल देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर बच्चे से लेके बड़े तक किसी में भी हो जाता है। इसकी वजह? जो ब्रेन ट्यूमर है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, यंग से लेकर ओल्ड पेशेंट, किसी में भी ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है, किसी को भी हो सकता है। जो अगर बच्चों में ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जिस जिसके साथ वो पैदा होते हैं, उनके अंदर जैसे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हो गया, वॉन हेपेल लैंडाउ सिंड्रोम हो गया, टर्कोट सिंड्रोम, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो नेम सिंड्रोम्स हैं, जिनके अंदर ब्रेन ट्यूमर प्रीडिस्पोजिशन सिंड्रोम जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर बच्चों के अंदर अर्ली ब्रेन ट्यूमर कॉमन होते हैं। तो ऐसे सिंड्रोम्स जिनके अंदर क्या कहते हैं ब्रेन ट्यूमर कॉमन होते हैं, हम शुरू से स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उन बच्चों में कि उनमें ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं, उनके लक्षण आ रहे हैं, तो हम उन समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करें। जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं और जो एडोलेसेंट पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो भी जनरली जेनेटिक सिंड्रोम से ही होते हैं, पर कभी कभी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को कीमोथेरेपी मिली होती है या फिर किसी तरीके की कीमोथेरेपी या रेडिएशन एक्सपोजर होता है किसी कीमोथेरेपी की वजह से, तो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है उन पेशेंट्स में। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, जैसे बच्चे को ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेडिएशन लगाई गई ब्रेन पे, तो कभी कभी उन पेशेंट में मेनेंजियोमा नाम का ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो जो एडोलेसेंट के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, जनरली वो बिकॉज ऑफ प्रीवियस कीमोथेरेपी एक्सपोजर या फिर प्रीवियस जो दवाई उन्हें मिली होती है कैंसर की, उसकी वजह से, या फिर रेडिएशन, जो रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। जो ओल्ड एज में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जनरली बड़े एग्रेसिव होते हैं, जो ओल्ड एज ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कभी कभी मृत्यु हो जाती है, तो काफी मॉर्बिडिटी होती है जो ब्रेन ट्यूमर जो होती है ओल्ड एज में। जो ओल्ड एज के जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो एक्वायर्ड म्यूटेशंस जो होती हैं, जो ओल्ड एज रिलेटेड म्यूटेशंस होती हैं, उनकी वजह से जनरली होते हैं। बच्चों के तो जैसे मैंने बताया जेनेटिक सिंड्रोम्स, यंग के अंदर मोस्ट कॉमनली ड्यू टू दी कीमोथेरेपी एक्सपोजर और रेडिएशन एक्सपोजर, और ओल्ड के अंदर जनरली डीनोवो म्यूटेशंस ही होती हैं जो खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, उत्पन्न हो जाती हैं कोशिकाओं में। सर, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर कहते हैं कि शुरुआत इसकी सर दर्द से शुरू होती है, सर दर्द कितना घातक हो सकता है? क्या हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर है या सर दर्द कितना घातक है? कैसे जानेंगे इस चीज को? जो ब्रेन ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं सेम सेम होते हैं एक्चुअली। जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं,
जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर जनरली सेम सिम्टम्स होते हैं, सब हेडेक की तरह प्रेजेंट करते हैं, सब पेशेंट जनरली अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर ओल्ड से लेकर सब इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो छोटे से लेकर बड़े तक जो पेशेंट्स होते हैं वो ये भी दौरे की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चीज भी कॉमन सिम्टम है जो ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर के कॉमन सिम्टम्स हैं, निगलने में दिक्कत, जो जो पेशेंट होता है वो खाना खाने निगलने में दिक्कत हो जाती है, नज़र कभी कभी तिरछी हो जाती है, सांस लेने में कभी कभी परेशानी होती है अगर ब्रेन ट्यूमर नोज वाले एरिया को इन्वॉल्व कर रहा होता है, कभी कभी जो ब्रेन ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो भी किसी भी एज ग्रुप में जनरली हो सकते हैं, वो लोकल सिम्टम्स और जो नर्व कंप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं जैसे नस दब जाती है, वो वाले सिम्टम्स जनरली स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन ट्यूमर्स के और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स के आ सकते हैं। सो मेन सिम्टम्स ये होते हैं। और अब अगर हम हेडेक पे आए, जनरली हमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक्स जो होते हैं वो रूल आउट करना पड़ता है, जैसे कि माइग्रेन हो गया, जैसे कि साइनस की प्रॉब्लम हो गई, जैसे नाक का इन्फेक्शन हो गया, जैसे मुंह का किसी इन्फेक्शन हो गया या थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, कभी कभी क्योंकि यहाँ की जो नसें होती हैं वो आसपास हमारे फेस की जो नसें होती हैं वो ब्रेन की स्किन को भी सप्लाई करती है, तो कभी कभी रेफर्ड पेन हो जाता है, उसकी वजह से हेडेक्स होते हैं, पर वो एक्चुअली ब्रेन के अंदर दिक्कत नहीं होती, पर वो लोकल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। कभी कभी दिमाग का बुखार होता है जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत कॉमनली कॉमन इलनेस है। तो जो मेनिंजाइटिस होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो वाला जो हेडेक होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, उसमें गर्दन के पीछे दर्द होता है, जो मेनिंजाइटिस वाला हेडेक होता है तो वो ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, उसको इंजेक्शन दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, दिमाग को यू नो सूजन की वाली जो दवाइयाँ दोगे तो फिर उससे सर दर्द उससे बैठ जाता है। और ब्रेन ट्यूमर का जो जो पेन होता है बहुत डीप होता है, बहुत बोरिंग पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है और किसी भी दवाई से भी कंट्रोल नहीं होता। माइग्रेन वाले सिम्टम्स पूछता है, चश्मा वाले चश्मा अगर पेशेंट को लगता है तो भी हेडेक हो जाता है, वो वाले सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट पूछता है इनफैक्ट, तो इस तरह के सिम्टम्स पहले पूछे जाते हैं। फिर अगर कहते हैं इमेजिंग करी जाती है, जैसे कहते हैं MRI, इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइन की इमेजिंग करी जाती है देखने के लिए कि अगर जो हेडेक हो रहा है वो किसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ब्रेन में जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, या फिर कोई माइग्रेन ही है जिसके अंदर जो MRI है उसमें कुछ खास नजर नहीं आएगा। तो ब्रेन ट्यूमर तो MRI से एकदम पता चल जाएगा, पर जो माइग्रेन होगा वो उसके अंदर जो ब्रेन होगा बिल्कुल नॉर्मली आएगा उसके अंदर, जो उसकी इमेजिंग होगी स्टडी माइग्रेन के लिए। रोहित जी आपसे क्योंकि विस्तार से बातचीत की है कि क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं, अब इसके बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए कि इस तरह की समस्या हो ही ना, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा शब्द भी कह सकते हैं जिसे सुन के हर किसी के मन में चिंता हो जाती है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो ब्रेन ट्यूमर का जो बचाव के जो कारण है वो मेनली यही है कि ये क्योंकि फैमिलीज के अंदर कभी कभी रन करते हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, तो उन फैमिलियल क्लस्टरिंग को प्रिवेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो क्या कहते हैं अगर कॉन्सेंगनस मैरिज हो गई, खून के अंदर शादी होती है तो जेनेटिक वो हो जाता है, क्या कहते हैं कॉमन जीन्स पूल होने की वजह से ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो अगर ब्रेन ट्यूमर प्रिवेंट करना है तो रेडियोथेरेपी फ्री रेजिमेन जिसके अंदर रेडिएशन ना मिले, जो कीमोथेरेपी दी गई है वो रेडिएशन से अलग जो रेजिमेन है वो देंगे तो ब्रेन ट्यूमर के चांसेस कम होते हैं। जो जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी यंगर एज ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज कभी कभी हो जाते हैं ब्रेन ट्यूमर के, अगर उनको ज़्यादा ग्रे ऑफ रेडिएशन मिलती है तो ब्रेन ट्यूमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके के कीमोथेरेप्यूटिक रेजिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। जो जो ब्रेन ट्यूमर है कुछ कुछ कभी कभी रेयरर वायरसेस की वजह से भी हो जाते हैं, कभी कभी पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर भी कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं जो कि रेयरर वायरस की वजह से होते हैं, जैसे कि JC वायरस हो गया, जैसे कि यू नो कुछ सीक्वेंसेस वायरसेस की रेयर वायरसेस की मिली हैं ब्रेन ट्यूमर्स में जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट लेवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्रेन ट्यूमर कॉमन होता है। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को HIV इन्फेक्शन होता है उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कम है तो ईजिली जो ब्रेन के अंदर वायरस जो होता है वो दूसरे वायरसेस के इन्फेक्शन के थ्रू यू नो ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न कर सकते हैं, तो HIV वाले पेशेंट्स के अंदर ब्रेन ट्यूमर की समस्या ज़्यादा होती है।
जिनका इम्यून सिस्टम कम है, जैसे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को हम दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, फिर ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं इन पेशेंट में। तो सो मल्टीफैक्टोरियल इश्यूज हैं, मेनली इज रेडिएशन एक्सपोजर एंड जेनेटिक, एंड द लास्ट मोस्ट कॉमन इज लाइक ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो गया ब्रेन की सेल्स में जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो गया। जो मोबाइल फोन होते हैं उससे नहीं होता ब्रेन ट्यूमर। तो मोबाइल रिसर्चर्स ने कहा है कि जो मोबाइल की रेडिएशन होती है इट इज नॉट कॉजिंग ब्रेन ट्यूमर। जैसे टीवी सिग्नल्स हो गए, टीवी टावर के नीचे अगर रहते हैं तो उससे ब्रेन ट्यूमर होने की आशंका नहीं है, सारी चीजें भी हैं। रोहित जी, लोगों के मन में आप एक्सप्लेन करने अच्छा है आप बताते रहिए, क्योंकि इस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में है। जी, जो जो पेशेंट्स होते हैं और जो जो पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं वो ये पूछते हैं कि अगर क्या कहते हैं हम बहुत ज्यादा टीवी देखेंगे तो इससे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो जाएगा, टीवी की रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा मोबाइल और कान के अंदर ईयरफोन्स लगाए रखते हैं और ब्लूटूथ डिवाइसेस लगाए रखते हैं तो इनसे ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ते नहीं जाते, बट ऐसा नहीं होता। ब्लूटूथ डिवाइसेस और जो मोबाइल एक्सपोजर हो गया, जो टीवी से रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, तो इनसे ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर मेनली जेनेटिक कॉजेज और कुछ कुछ एक्वायर्ड कॉजेज ये थे जैसे कि जो मैंने पहले बताया था। और इसमें मेनली जो पेशेंट होता है उसको बस ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो ऑक्यूपेशन है ना उसके अंदर क्या कहते हैं उसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कम हो कुछ कुछ केमिकल से, जिन कुछ केमिकल से भी कभी कभी ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न हो सकता है, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कहते हैं उसे। क्योंकि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश है लोगों के लिए? हालांकि बहुत घातक बीमारी है ये, और लोग आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें लोगों को? जी एक्चुअली सारे लोग ये सोचते हैं कि जो सारे ब्रेन ट्यूमर हैं उनमें कैंसर है और वो क्योर नहीं हो सकता, और मतलब कभी भी ब्रेन ट्यूमर कभी करेक्ट ही नहीं हो सकता, और अब तो ब्रेन ट्यूमर हो गया अब तो हम मर ही जाएंगे, अब तो कुछ इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर भ्रम है कि सारे ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं अगर हो गया तो 6 महीने में हमारी डेथ ही हो जाएगी, अब तो कुछ का कोई नहीं लगता। 1/3 ऑफ द ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो ही मैलिग्नेंट होते हैं, बाकी जो 2/3 ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, उनको निकालेंगे तो बंदा नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकता है। अर्ली डिटेक्शन का सारा वो फैक्ट है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जैसे मम्मी पापा को देखना होगा कि बच्चा जो है वो आंखें तिरछी कर रहा है, चलने में परेशानी हो, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएं जिससे कि चेक कर लें MRI, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए जिससे कि वो पूरा का पूरा निकल जाए और जिससे कि क्योर एस्टेब्लिश हो सके। सो ऐसे केसेस में ब्रेन ट्यूमर वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो क्योर किए जा सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में पकड़े गए। और जो ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनका मास इफेक्ट होता है, जैसे कि मतलब अंदर, क्योंकि ब्रेन जो हमारे स्कल है उसके अंदर लिमिटेड स्पेस है एक्सपेंशन की, तो अगर हम ब्रेन ट्यूमर को निकाल दें तो जो बच्चे के अंदर जो सिम्टम्स हैं, जो दौरे के सिम्टम्स हैं और जो हेडेक वाले सिम्टम्स हैं वो इमिडिएटली रिलीव हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं ब्रेन ट्यूमर निकालने के बाद कभी कभी कुछ ब्रेन ट्यूमर में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, कुछ में रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, पर ब्रेन ट्यूमर्स क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर्स क्योरेबल नहीं है, पर अगर लेटर स्टेजेस में पेशेंट आते हैं तो काफी घातक हो जाते हैं, तो अर्ली स्टेजेस में ब्रेन ट्यूमर्स क्योरेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।